वर्गमूल में क्या हम लोग लिखते हैं? प्लस और माइनस दोनों लगा के लिखते हैं, लेकिन यहाँ कौन वाला लिखना है? केवल धन, केवल प्लस वाला ही लिखना है, माइनस नहीं। दूसरे का तीसरा कितना दिया है? चार सही, उनतीस बटे उनचास। तीसरे का हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो इसको, हमको परिमेय संख्या ये जो होल में दिया इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो पिछले कक्षाओं में। क्या करते हैं इसको, सबसे पहले 49 का 4 में गुणा करते हैं और जितना आएगा उसमें 29 को जोड़ देते हैं, उसको यहाँ लिखते हैं ऊपर अंश के रूप में और नीचे यही 49 हर रहेगा, ठीक है ना? तो उसको करते हैं, तो 49 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? देखो 49 गुणे 4 9 36 को 6 हासिल, 3 4 चौको 16, 3 19, 196 हुआ। हमको क्या करना, 49 में 4 का गुणा किए तो 196 हुआ। अब हमको 29 को क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 को 5 हासिल, 1 9 2 11 1 हासिल, 12 को 2 हासिल, 1 1 1 2, तो हो गया कितना 225। अब 225 को हम लिखेंगे अंश के रूप में, इसके जगह पर हो गया 225 बटे नीचे 49, हर के रूप में है 49, समझ रहा हूँ इतना। यस सर, अब क्या करेंगे, अब वही जैसे बताए थे गुणनखंड विधि से निकालना है, 225 का अलग निकालेंगे, 49 का अलग इसके जगह पर रख देंगे और इसका इसके जगह। और वर्गमूल देखो निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे ना? यस सर, दोनों का, दोनों को एक में लिख सकते हैं ऐसे, 225 बटे 49, एक ही रूट में दोनों लिख सकते हैं। अब दोनों का बारी बारी से वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड करके, वही जो एलसीएम तुम लोग कहते हो वही गुणनखंड है। तो पहले हम निकालते हैं 225 का, किस संख्या से इसको काट सकते, 0 2 4 6 8 रहेगा लास्ट में अगर, तो 2 से कटेगा, तो वो तो है नहीं 0 2 4 6 8, 3 से कटने के लिए अब देखना रहे तो क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। जैसे मान लो 5 2 7 2 9 हुआ, 9 3 से कटता है ना, तो यानी कि 225 भी 3 से कटेगा, ठीक है? तो इसको हम 3 से, तो कितने बार में 21 होगा, एक बचा यहाँ 15 हुआ, 5 बार में। अब देखो फिर से 7 5 जोड़ेंगे 12 हो रहा है, 3 से कटेगा, कितने बार में, 3 2 6 और 3 5। अब देखो जोड़ेंगे 2 5 7 हो रहा है, अब लास्ट में 0 या 5 अगर रहता है तो 5 से कटता है संख्या, तो ये 5 से, 5 5 25 और फिर 5 से एक बार में। अब देखो ये 225 के लिए हम निकाल रहे थे, तो यहाँ लिखते जाते हैं, इसके नीचे लिखते हैं 225 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 और अपान नीचे अभी 49 का लिखना है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 49 का निकालते हैं, कितने से कटेगा, 7 से 7 बार में और फिर से 7 से एक बार में। अब क्या करेंगे 49 के लिए, 7 × 7 आया इतना समझ में? अब क्या करोगे, जोड़ा बनाएंगे, समान अंकों का जोड़ा बनाते हैं। यस सर, तो देखो समान अंक का जोड़ा यहाँ 3 3 का ऐसे लाइन खींच लेंगे और फिर 5 5 का लाइन खींच लेंगे और यहाँ नीचे 7 7 का। अब देखो जब रूट को हटाएंगे
तो एक एक संख्या जोड़े में से निकल के गुणाओ, तो यहाँ से एक तीन गुणे, यहाँ से एक पांच, और ये अपान का चिन्ह लगाएंगे, नीचे से एक दो सात, तो एक ही निकलेगा बाहर, रूट हट गया। अब यही तीन पचे पंद्रह बटे सात, हमको वर्गमूल तुम लोग बताए हैं लिखते हैं कैसे प्लस माइनस में, लेकिन यहाँ ऊपर दिया धन वर्गमूल लिखिए, इसलिए प्लस में प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया ना, तीसरा क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। यहाँ कुछ लिख नहीं रहा, डायरेक्ट इसका निकाल दे रहा पर, ठीक है ना। हाल में लिखेंगे 2304। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ, क्या पूछा है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो लिखेंगे बाग में अंडर रूट 2304 ऐसे लिख लेंगे, मतलब इसी का वर्गमूल। तो फिर ये बराबर देखो हम यहाँ लगा रहे हैं, अब 2304 का हम गुणनखंड कर लिए, तो ऐसे लिखेंगे एक बार, कितना बार दो आया है, आठ बार, आठ बार लिखते हैं। और दो बार तीन आया है, तो तीन को लिखते हैं। अब क्या करेंगे, दो दो समान अंकों का जोड़ा बनाएंगे ऐसे, और उसमें से जोड़े में से एक एक अंक बाहर निकाल के गुणा कर लेंगे, तो दो गुणे दो, दो गुणे दो, दो गुणे एक दो तीन चार, दो निकलेगा ना, गुणे तीन, गुणा कर लेते हैं, दो दूना चार, दूना आठ, दूना सोलह, सोलह तीन अड़तालीस, यही आंसर हो जाएगा, अड़तालीस पंक्तियां। फिर आगे अब इसमें देखो तीसरा बता ही दिए, चौथा लगा लोगे, चौथा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन समझो, कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी, यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, तो क्या करोगे, हाँ जितनी पंक्तियां उतने सैनिक, वही बात हुआ, तो इसका वर्गमूल निकालना है, समझ रहा हो ना, तो कर लोगे इसको। फिर देखो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, वर्ग जानते हो ना, जिसमें लंबाई चौड़ाई बराबर रहे, कह रहा है एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, जवान कितने थे 8160, और कह रहा है कि वर्ग जैसा खड़ा करा रहा है, कितने इधर से उतने इधर से, और टोटल जवान कितने थे 8160, कह रहा कि जब ऐसे खड़ा कराया तो 60 जवान शेष बच गए, वो लोग नहीं खड़ा हो पाए, वर्ग तब नहीं बन पाता, वो लोग भी खड़ा होते तो 60 जवान किनारे हो गए, तो इसका मतलब कैसे समझ रहा हो, पहले 60 जब हट जा रहा ना, 8160 में से 60 को तो खड़ा नहीं करना है, तो 60 को क्या करोगे, 8160 में से हटाओगे, हटाने का मतलब उसमें घटा दोगे, तो 8160 में से जब 60 हट गए तो बचे कितने 8100 जवान बचे ना, तो 8100 जवान जब बचे तो उन्हीं को खड़ा करना है वर्ग में, जितनी पंक्तियां उतने जवान ऐसे, तो क्या करना है, तो 8100 का वर्गमूल निकाल दोगे, जो आएगा वही आंसर, समझ रहा हो। छ
छठवां और सातवां देख लो। छठवां क्वेश्चन है, छठवें का हल बता रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहले ध्यान समझो, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, जिसमें सभी समान समान जोड़े अंकों के बन जाएंगे गुणनखंड करने पर, वही संख्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। समझ रहे हो? जैसे मान लो अगर हम 5 लिख दें तो 5 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से नहीं तो भाग विधि से निकलेगा। भाग विधि से सबका वर्गमूल निकलता है ना, तो भाग विधि से निकालेंगे, लेकिन जोड़ा इसमें नहीं बन रहा है ना, दो दो समान अंकों का। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा, जैसे मान लो हम ले लिए 16 को जब ले लिया और इसका गुणनखंड करते हैं तो कैसे होगा? होगा ना गुणनखंड इसका ऐसे होगा, 2 × 4 × 8 × 16, दो दो समान अंकों का जोड़ा बन जा रहा है। देखो कुछ बच नहीं रहा है, तो ये जो बन जाएगा दो दो का जोड़ा, यानी कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा ऐसे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, या ऐसे कहो कि जिस संख्या में उसका गुणनखंड करने पर दो दो समान अंकों का अगर जोड़ा बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। ये क्या होगा? 16 पूर्ण वर्ग संख्या। अब मान लो 17 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि उसमें गुणनखंड करेंगे तो ऐसे जोड़ा नहीं बनेगा समान अंकों का। 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, फिर कितना होगा? 25। 25 है, 5 × 5 कर लोगे ना, जोड़ा बन रहा है, तो 25 क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि ऐसे समझो कि जिसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकल जाएगा वही पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कह रहा है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो क्या करना है, अभी समझ लोगे। तो 1890 का हम पहले निकाल रहे हैं क्या, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। 1890 इसको लिखेंगे कैसे? 1890 है ना, तो 1890 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 कितना है? 3 बार है, 3 × 3 × 3 × 5 × 7। अब कह रहा है कि इस 1890 में, ये देखो ये 1890 ही ना लिखे हैं, 1890 को हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये सब गुणा करने पर 1890 ही होगा। तो कह रहा है 1890 में किस छोटी संख्या से हम गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो यहाँ डबल डबल जोड़ा नहीं बन पा रहा समान अंकों का, और कह रहा है कि ये कब किस संख्या से हम इसमें और गुणा करना कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि समान समान सब हो जाए। तो किससे किससे करना पड़ेगा तुम ही लोग बताओ, इसमें हम किससे और गुणा कर देंगे कि जोड़ा बन जाएगा सबका? एक ही 2 है, तो यानी कि 1 2 से हमको इसमें करना पड़ेगा तभी 2 का जोड़ा बनेगा। समझ रहे हो ना? 1 3 का यहाँ देखो बन रहा है, 1 3 का नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? 1 3 का और करना पड़ेगा तभी इसका बनेगा समान अंकों का जोड़ा। तो देखो 1 2 का बना दिए, 1 3 का बन ही रहा है उसको नहीं लिखना है, जिसका नहीं बन रहा वही लिखेंगे। 1 3 का बना दिए, ठीक, 1 5 का और 1 7 का, यानी कि हम 2 × 3 × 5 × 7 से अगर 1890 में गुणा करना तो क्या होगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तभी न बनेगा। तो किस संख्या से कह रहा है? तो हम इस संख्या को एक संख्या बना दे रहे हैं, कैसे? 2 × 6 = 30 और 30 × 7 = 210। अब यहाँ क्या लिखोगे आंसर में? आंसर में लिखोगे कि यदि हम 1890 में 210 से गुणा करना तो गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा।
एक और देखो ये सातवां है, तो तुम लोग बता रहे हैं घर से करना नहीं आएगा, फिर कल बताएंगे। सातवां देखो कह रहा है उसी तरह का है, लेकिन इसमें भाग कर दिया। कह रहा है सातवां, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब भाग देने से पूछ रहा है, अगर मान लो इसी में पूछता 1890 में किस संख्या से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तब क्या करते। भाग का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम ऐसे कोई संख्या लिख रहे हैं, अब मान लो हम किससे भाग देंगे कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो किससे देंगे बताओ। भाग देने में ये सब बुरा में है तो कटता है संख्या, समझ रहा ना। तो मान लो किससे हम भाग कर दें इसमें कि ये जोड़ा बन जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, किससे भाग करेंगे। एक दो से देखो तभी ना, दो से दो कटेगा, समझ रहे हो। अरे पांच से, तीन से नहीं, तीन का तो बन रहा है, मान लो पांच से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। यानी कि हमको किस किस संख्या से भाग करना पड़ेगा, यानी कि एक ही कर लो, दो पांच, समझ रहे हो। यानी कि अगर दस से हम इसमें भाग कर देंगे तो पूर्ण वर्ग होगा ना। तो यही उसमें कह रहा है क्या कि 9408 में हम किससे भाग देंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो क्या करेंगे। 9408 का ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग दोगे तभी कटेगा, उसी का गुणा कर लोगे, समझ रहे हो ना। तो कल लगा के